बोले श्री राधा कुंड की, बोले श्री श्याम कुंड की, नेताई गौर ब्रह्मानंद। हरे कृष्णा, बैठो 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 बैठो। हरे कृष्णा, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर से बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोले श्री राधा कुंड श्याम कुंड की। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में अभी श्री गिरिराज परिक्रमा करते करते अभी जहाँ पर पहुँचे हैं, ये श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड है। इसलिए जिसके लिए रूप गोस्वामी कहते हैं, बैकुंठ जनित बरा मधुपुरी तथापि राक्षस सब। कहते बैकुंठ सभी बढ़ करके क्या है, बल बैकुंठ भी जो श्रेष्ठ हैं, कहते श्री वृंदावन धाम है, क्योंकि ठाकुर जी जहाँ पर उन्होंने ये रास रचाया, लेकिन उनसे श्रेष्ठ किया है बोले ये श्री गिरिराज गोवर्धन। बोले श्री गिरिराज गोवर्धन की, क्योंकि जो गिरिराज गोवर्धन ये और कोई नहीं, ये स्वयं कृष्ण ही ये गिरिराज रूप धारण किया, लेकिन उनसे श्रेष्ठ किया है बोले ये राधा कुंड और श्याम कुंड। बोले ये श्रेष्ठ क्यों, बोले कारण है गिरिराज तो कृष्ण स्वरूप है, लेकिन उनका जो दो आंखें है ना, ये राधा कुंड श्याम कुंड, ये दो आंखें हैं। जैसे किसी व्यक्ति को आप दर्शन करो, नजर कहाँ पर पड़ता है, आंखों में। एक व्यक्ति दुखी ना सुखी हमें पता कैसे चलता है, उसको आंखों को देख करके ही पता चलता है ये दुखी ना ये सुखी। इसलिए ये राधा कुंड श्याम कुंड कहते ये दो आंखें हैं, कहते ये राधा कुंड श्याम कुंड नहीं, कहते ये राधा रानी ही ये स्वयं राधा कुंड रूप में प्रकट हुई, स्वयं कृष्ण ही ये कृष्ण कुंड रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए वो जो बीच है ना, जो बीच का देखो, ये संगम, संगम मतलब क्या है, कहते ये दोनों का मिलन स्थली ये संगम है, हैं? इसलिए यहाँ पर बताए, जापी राधा सापी कृष्ण, जाराधा कृष्ण एवस एक ज्योतिंग दिधा भिर्न राधा माधव स्वरूपम। कहते जो राधा वही कृष्ण, जो कृष्ण वही राधा, केवल वो लीला विलास करने के लिए केवल उन्होंने ये दो रूप में ये प्रकट हुए। इसलिए कहते ये आप लोग कथा सुने, राधा कुंड श्याम कुंड कैसे प्रकट हुआ है, हैं? कथा तो जानते हो, लेकिन जो राधा कुंड में पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है, ये राधा कुंड श्याम कुंड में ये पृथ्वी का सारे तीर्थ उसमें विद्यमान। अगर राधा कुंड श्याम कुंड में कोई आचमन कर लिया है ना, कहते पृथ्वी का सारे कुंड में आचमन करना हो जाता है। अगर इसमें कोई स्नान कर ले तो पृथ्वी का सारे कुंड में स्नान हो जाता है। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, कहते अगर ये राधा कुंड श्याम कुंड में कोई आचमन करे, स्नान करे, उसको साक्षात क्या राधा रानी की दासत्व अपने आप प्राप्त हो जाता है। कृष्ण राधा रानी का प्रेम अपनी आप उनको मिल जाती है। जो हम भजन गाते हैं ना, मुनिंद्र बिंद बंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकज निकुंज भू विलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सोनु संगते कदा करी ससी हमाम कृपा कटाक्ष। कद अगर ये राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र को राधा कुंड में खड़े होकर के, कहते छाती तक हो, नहीं तो कमर तक हो, नहीं तो गुठन तक हो, अगर ये स्तोत्र को कोई पढ़ेगा तो इसमें बताते हैं राधा रानी स्वयं राधा कुंड से प्रकट होकर के राधा रानी स्वयं दर्शन देती है, साक्षात रूप में दर्शन देती है। इतने महिमा ये राधा कुंड की और ये स्तोत्र की, इसलिए इसका नाम राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र इसलिए इसका नाम है। इसलिए जिस समय ये राधा कुंड से आम कुंड प्रकट हो गया, इतने में श्री पौर्णमासी ने वृंदा देवी को आदेश दिया, बोले वृंदे तुम ये राधा कुंड श्याम कुंड को इतना सुंदर बनाओ जैसे पृथ्वी में इतने सुंदर स्थान कहीं नहीं हो। इसलिए भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं ना, चिंतामणिमय राधा कुंड तट ताहे कुंज सत सत प्रवाल विद्रोम
मय तरुलता ताहे कुंज सत सत। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर इसकी दिव्यता को वर्णना करते हैं, कहते ये जो हमें राधा कुंड श्याम गुण हमें क्या पत्थर दिखती है, बोले पत्थर नहीं वो चिंतामणि से बनी हुई। यहाँ का जिस समय है वृंदा देवी का आदेश दिया, क्योंकि ये वृंदा देवी कौन है, बोले राधा कृष्ण की जितने मधुर लीलाओं को पुष्टि करने वाले वृंदा, इसलिए वृंदा ने ये राधा कुंड श्याम कुंड को इतने सुंदर बनाया, पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ स्थान बनाया है। कहते यहाँ पर पेड़ में हमको पता मुक्ता कहाँ होता है, समुद्र में सीप में मुक्ता होता है, लेकिन यहाँ पर वृक्ष में मुक्ता जो सीढ़ियां कैसे बोले चिंतामणि से बनी हुई है सीढ़ियां है, कोयले जैसे कू कू, मयूर के का करते, यहाँ के का नहीं करते हैं। यहाँ के सब श्री जय जय राधा कृष्ण रे जुगल मिलन आरती करे लली तादी सखीगण, ये सबके सब राधा रानी की कृष्ण के नाम को लेते हैं यहाँ के सब चिड़िया और पपिया सबके सब। इसलिए चार तरह का कमल का फूल इसमें खिलवाया है, रक्त कमल, नील कमल, श्वेत कमल, और कहते श्री पद्म चार तरह कमल का फूल, और सुंदर राजहंस जिसमें क्रीड़ा करते हैं, और उनके चारी तरफ में चार कोने में उन्होंने सुंदर झूला बनवाए, सुंदर झूला जिसमें राधा कृष्ण जब झूलते हैं ना, झूला में ऊपर तो झूलते हैं लेकिन उनका जो परछाई अपने आप पानी में प्रतिबिंबित होते हैं, ऊपर तो झूलते हैं लेकिन लगता है जैसे नीचे भी झूलते हैं। विशेष करके यहाँ पर कहते हैं सिर्फ पांच तरह का विशेष लीला यहाँ पर करते हैं। कहते एक है कुंज लीला है, कहते कुंज कैसे बनाते हैं, अद्भुत वर्णना किया, बोले कोई कुंज का रंग नील वर्ण, किसी का एकदम हरित वर्ण, किसी का एकदम सफेद वर्ण, वो कुंज बनता है कैसे, बोले कोई कुंज तो बनता है पूरा पत्ते पत्ते में, कोई कुंज बनता है पूरा फूल फूल में, और उसका इतना दिव्यता है जब उसको अंदर में प्रिया प्रियतम प्रवेश करे, अगर यहाँ पर कोई खड़े हो ना, अगर सोचे अंदर में कुछ हो रहा है देख नहीं सकता है, क्योंकि कुंज का रंग और राधा कृष्ण जुगल का रंग एक हो जाता था, इसलिए अंदर में पास में भी खड़े होकर के तुम देख नहीं सकते, लेकिन वो केवल गोलोक वृंदावन में ही संभव है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बड़े सुंदर अभी भी वो लीला हो रही है, कहते अद्यापि वो सही लीला करे कृष्ण राय कोनो कोनो भाग्यवान देखी वारे भाई, अभी भी वो लीला हो रही है, लेकिन वो लीला को सब दर्शन नहीं कर सकते हैं, जो ऐसे सिद्ध महापुरुष ही उसको दर्शन कर सकते हैं। उन्हें जल विहार करते हैं, नौका विलास करते हैं, और यहाँ पर कुंज में और मधुपान करते हैं, विशेष करके पांच लीला यहाँ पर होती है। इसलिए गुरुदेव कहा करते थे किसी स्थान की महत्व अगर समझना तो हमें तीन दृष्टिकोण से उसको विचार करनी चाहिए, तब किसी स्थान की महत्व का आप समझ सकते हो। कहते तीन दृष्टिकोण क्या है, बोले स्थान काल और पात्र है। बोले स्थान क्या, बोले ये राधा कुंड श्याम कुंड, ये राधा कुंड श्याम कुंड नहीं, ये राधा कृष्ण ही स्वयं ये कुंड रूप में प्रकट हुए। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी जब उन्होंने देखा, उस समय में कीचड़ कीचड़ था जब यहाँ भजन करते थे लोग, जो महाप्रभु ने आ करके ये राधा कुंड श्याम कुंड को प्रकट किया, अभी हजार हजार लोग आना शुरू कर दिया, लेकिन कीचड़ कीचड़ था, वो सोच रहे थे थोड़ी सी अगर बन जाते सुंदर सीढ़ी लोग आसानी से आचमन स्नान कर सकते हैं, लेकिन जिनके मन में इच्छा हुई तो कोई सेठ जा रहा था बद्रीनाथ, बड़े सोना चांदी लेकर के बद्रीनाथ ने स्वप्न दिया, बोले देखो ये जो पैसा यहाँ बद्रीनाथ में ला रहे हो उसको ले जाओ राधा कुंड श्याम कुंड में, वहां पर एक सिद्ध महात्मा है जिसका नाम श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, कहते इसको लेकर के उनको दे दो, उनको इच्छा राधा कुंड श्याम कुंड का संस्कार करने का। लेकिन जब उनको पैसा देने के लिए आए ना, बोले हाय रे हमारी ये दुर्बुद्धि कैसे हो गया, क्योंकि ये राधा कुंड श्याम कुंड कोई साधारण नहीं, ये साक्षात चिंतामणि है, वृक्ष कल्प वृक्ष भूमि चिंतामणि, यहाँ पानी अमृत है, हाँ कहाँ राधा कुंड श्याम कुंड राधा कृष्ण स्वयं, और हमको कहाँ कीचड़ दिखता है, हमारे भजन में आघात होगा, बोले भैया वापस ले जाओ, जब बोले ना फिर स्वप्न दिया रघुनाथ दास गोस्वामी को, बोले रघुनाथ इसको ग्रहण करो, बहुत लोगों का उसमें कल्याण होने वाले। फिर उन्होंने
आप देखना राधा कुंडों का आप दर्शन करना, राधा कुंडों का दर्शन करना, जैसे श्री राधा रानी सिद्धि है, आप देखना ये कुंड भी चौकोना है सिद्धि। लेकिन कृष्ण कुंडों का देखना, कृष्ण जैसे तीन जगह से टेढ़े हैं, वो कुंड भी देखोगे वैसे टेढ़े हैं। क्यों? ये कृष्ण साक्षात ये कृष्ण कुंड रूप में प्रकट हुए। जिस समय रघुनाथ दास गोस्वामी कृष्ण कुंड का संस्कार करना चाह रहे थे, रात में स्वप्न आया। क्या आया? पंच पांडव ने स्वप्न दिया, बोले रघुनाथ हम पंच पांडव, तुम इसी दक्षिणी दिशा में देखना, हम पांच वृक्ष रूप में हम एक लाइन में खड़े हुए, हम वृक्ष नहीं हम पंच पांडव है, हम ब्रज भक्ति प्राप्त करने के लिए यहाँ पर वृक्ष रूप में हम भजन कर रहे हैं। अगर इसको चौकोना बनाओगे तो क्या होगा, हम सबके सब कटे कटे जाएंगे। सचमुच से उन्होंने आकर के देखा, पंच पांडव स्वयं पांच रूप में यहाँ पर वृक्ष रूप में पंच पांडव भजन कर रहे थे। फिर उन्होंने देखा भैया कृष्ण की जैसे इच्छा वैसे होएगी, कृष्ण भी टेढ़े हैं इसलिए उनको कुंड भी टेढ़े होनी चाहिए। आप देखना ठीक कृष्ण जैसे ये कुंड का टेढ़ा है, इसलिए कहते स्थान। बोले काल, बोले काल मतलब होता है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं वो वर्णना करते हैं, काल है कहते आठ पीरियड है, अष्टजाम बताया कृष्ण का जो लीला होती है अष्टजाम। अष्टजाम समझते हो, जैसे 24 घंटा को उसको आठ भाग में विभक्त किया गया। इसी सवेरे क्या लीला करते हैं, दोपहर में, शाम को, रात को, अष्ट भाग में विभक्त किया गया। लेकिन यहाँ पर जो लीला होती है कौन सा समय में लीला होती है, कहते ये मध्यान्ह की लीला है, यहाँ पर मध्यान्ह की लीला होता है। हरे कृष्ण, यहाँ पर मध्यान्ह की लीला होती है। कहीं दो घंटा, लेकिन जो मध्यान्ह की लीला में ये सबसे ज्यादा लंबा है वो 4 घंटा है। और यहीं पर श्याम सुंदर गैया चरण का बहाना बना करके यहीं पर आती थी राधा रानी, सूर्य पूजा की बहाना बना करके यहीं पर आया करती थी। और यहीं पर श्री श्याम सुंदर और राधा रानी के जो मध्यान्ह की लीला, जो जल विहार, मधुपान, कुंज लीला, इंदौल लीला, बोटिंग पास्टाइम, नौका विलास, ये सब लीला यहीं पर हुआ करती थी। कहते विशेष करके जब यहाँ पर लीला हुआ करते थे, अगर कृष्ण और कहीं लीला करते हैं उनकी जटिला और कुटिला का भय रहता था। कभी कभी जटिला और कृष्णा जो सांस ननन कभी कभी वो लीला में व्याघात करते थे। लेकिन जब यहाँ पर जब प्रिया प्रिय तनु की लीला होती थी, यहाँ पर स्वयं पर्णमासी योग माया चारी तरफ में रखा करती थी, यहाँ पर जटिला कुटिला की कोई प्रवेश नहीं, जहाँ पर निश्चंत रूप में यहाँ पर वो विहार करते थे, इसलिए यहाँ पर मध्यान्ह की लीला है। कहते स्थान, काल और पात्र, बोले पात्र मतलब होता है जैसे कृष्ण वृंदावन में रास रचाए वो पंचायती रास है, जहाँ पर स्वपक्ष विपक्ष तटस्थ और साधन सिद्धा नित्य सिद्धा समस्त गोपियां जहाँ पर मिलित होती थी। लेकिन यहाँ पर जब राधा कृष्ण की लीला होती है, केवल स्वपक्ष जो अभी सुन रहे थे, जो तीन तरह का जो गोपी है, स्वपक्ष विपक्ष और तटस्थ, यहाँ पर केवल राधा रानी की जो पत्नियां गोपियां हैं, केवल वही लोग यहाँ रहते थे, जहाँ पर से राधा कृष्ण निश्चंद रूप में अपना सखियों को साथ में जहाँ विहार करते थे। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, बोले वृंदा विपिन सुरम मपी, कहते 84 ब्रज मंडल का समस्त स्थान अपना अपना स्थान पर सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण जहाँ रास किया वो भी श्रेष्ठ है, जहाँ प्रेम स्वर पर वहाँ भी श्रेष्ठ है, जहाँ पर उद्धव किया वो भी श्रेष्ठ है, जहाँ पर ब्रज गोपियों की राधा रानी की महिमा प्रकाशित आई। कहते वृंदा विपिन सुरम मपी, यद्यपि ये वृंदावन का सब स्थान अत्यंत श्रेष्ठ है, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं ये राधा कुंड की इतनी महिमा, संपूर्ण ब्रज मंडल की महिमा को अगर एकत्रित कर दिया जाए, जो राधा कुंड की जो महिमा
इसका एक बूंद के साथ में भी आप बराबर नहीं कर सकते हो। क्यों बराबर नहीं कर सकते हो? बोले श्री राधा कुंड श्याम कुंड की, बोले कारण बताते हैं, राधा रानी के अंदर में जो दिव्य उन्माद, उनका जो मादरनाथ का जो महाभाव है, अगर कहीं अभिव्यक्ति होता था वो यही पर ही अभिव्यक्ति होता था। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जो हमारे रूपानु को जो वर्ज्य है, इसलिए यही पर बैठी करके जब राधा कुंड श्याम कुंड को बीच में बैठी करके भजन करते थे, इसलिए राधा रानी स्वयं आकर के अपना आंचल से रघुनाथ दास गोस्वामी को पीछे खड़े होकर के छाया करके खड़ी होकर, इसलिए जिसको सनातन गोस्वामी देख करके बोले रघुनाथ तुम यहाँ पर धूप में बैठी करके भजन करते हो, राधा रानी को कष्ट होता है। बोले क्या कष्ट? बोले मैंने देखा तुम्हारे पीछे राधा रानी स्वयं खड़ी होकर के तुमको छाया करते हुए हमने देखा है, और देखा तुम्हारे पास में दो बाघ भी पानी पीते हुए मैंने देखा, इसलिए राधा रानी को इतने कष्ट मत दिया करो। इसलिए जो समाधि है, इसलिए यही पर उनके लिए जो कुटिया बना दी जहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी बैठे करके, यहीं पर उन्होंने अपना साधन भजन करते थे। और उन्होंने जो एक ग्रंथ लिखा है जो कि हमारे गौड़ीय वैष्णव के लिए एक बहुत बड़ा अनमोल ग्रंथ है, जिसका नाम है विलाप कुसुमांजलि। अभी महाराज बता रहे थे ना, विलाप कुसुमांजलि मतलब क्या है, जैसे ठाकुर जी के चरण में हम एक एक फूल देते हैं, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ बैठ करके श्री राधा रानी के चरण में अपना जो विरह रूपी जो एक एक जो श्लोक है, वो एक एक श्लोक को भी बना बना करके श्री राधा रानी के चरण में अर्पण करती थी, जो कि हमारी संप्रदाय में ये सर्वश्रेष्ठ ये अनमोल ग्रंथ ये विलाप कुसुमांजलि। इसलिए प्रभुपाद कहते थे अगर गौड़ीय वैष्णव बनना चाहते हो, जब हर संप्रदाय में राधा कृष्ण को भजन करते हैं, लेकिन हम लोग जो महाप्रभु को धारा में आए, श्री चैतन्य महाप्रभु धारा में आए, जिसके लिए कहते हैं चैतन्य चंद्र दया करह विचार, विचार कर ले चित्ते पावे चमत्कार। जब श्री चैतन्य महाप्रभु को दया के ऊपर में हम विचार करेंगे, जिस विचार करने पर हृदय में बड़े चमत्कार तक प्राप्त होगा, जिसके लिए रूप गोस्वामी कहते हैं अनर्पित चरण चिरात करुणयाव तीर्ण कलो। ब्रह्मा का एक दिन में महाप्रभु इसी जगत में आकर के जो श्री जुगल सरकार की उनको निकुंज के जो सेवा प्रदान करते हैं, और हमारी गौड़ीय वैष्णव में दूसरे दूसरे संप्रदाय में तो राधा कृष्ण को भजन करते हैं, लेकिन हम भी राधा कृष्ण को भजन करते हैं, लेकिन हमारी राधा कृष्ण भजन और दूसरे संप्रदाय का राधा कृष्ण भजन में क्या फर्क है? जिसको श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ये विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ में लिखे है, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जब तक ये ग्रंथ को कोई नहीं पढ़ेगा ना, वो अपना को गौड़ीय वैष्णव नहीं बोल सकता है। इसलिए जरूर हमें ग्रंथ को प्रभुपाद जरूर ये ग्रंथ को आप पढ़ो, नहीं तो गौड़ीय वैष्णव है क्या चीज, ये चीज को आप समझ नहीं सकते हैं। महाप्रभु जो दुर्लभ वस्तु को देने के लिए आए, और ग्रंथ रघुनाथ दास गोस्वामी यहीं पर बैठी करके उन्होंने ये ग्रंथ को दिव्य ग्रंथ को रचना की। इसलिए हमारे जितने गोस्वामी वर्ग हैं सबके सब यहीं पर स्थान की प्रार्थना की, लेकिन अगर शरीर से नहीं हो लेकिन मन से हमें यहीं पर रह करके अपना साधन भजन को हमें करनी चाहिए। इसलिए हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य भी यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर प्रार्थना करेंगे गोस्वामी के चरण में, राधा कुंड श्याम कुंड के चरण में, हमारी शरीर से भले नहीं हो मन से हमारी यहीं पर, मन से हमारी पास हमारी राधा कुंड श्याम कुंड में होनी चाहिए। ठीक है, भले कांचा कल गुरु भक्त कृपा सिंधु गुरु बचा अतिदानंद पाप ने भो वैष्णव को राधा कुंड श्याम दिखाई गौर प्रेमानंद।